सर सुनिए ना सर, सुना जा सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ना चाहते सर। पढ़ लिख करके क्या बनने की चाहत है? IAS, IAS बनना चाहते हैं। वहाँ हम शिक्षा के बारे में बताने गए थे कि जो है सरकारी स्कूल में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है जितना हम चाहते हैं, और एक सर हैं जिनको कि थोड़ा सा अंग्रेजी भी कमज़ोर है, तो ऐसा कैसे चलेगा पढ़ाई, समय दिक्कत ना होगा। ये तो जो है फिर तो नहीं जुट रहा था, परेशानी ये थी कि 3 दिन पर 4 किलो दही संग करता था, वही बिकता था, तो उससे घर भी तो चलाना है। इस प्रकार 100-200 रुपया 3 रोज पर, 1 दिन 100-200, किससे होगा? इसे करना जो है गलत ना है, और हम उसमें भी उतना हो नहीं पाता है जितना कि हम पढ़ सकें, जितना हमको पढ़ाने की गार्जियन की क्षमता है उतना है नहीं कि पढ़ा सकें वो, इसीलिए हम अपने पढ़ाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल में आप एडमिशन करवाने की पूरी ताकत लगाइए सर, ताकि हम आगे बढ़ सकें। पढ़ लिख करके क्या बनने की चाहत है? IAS बनना चाहते हैं। IAS का बहुत सारे लोग फुल फॉर्म तक नहीं मालूम होता है लोगों को, तुम्हें मालूम है IAS का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या करता है वो लोग IAS बनकर? उनका काम है एक जिला के मालिक, यानी एक जिला को देखना कहाँ पर क्या काम हो रहा है, रूल का पालन हो रहा है कि नहीं, शिक्षा सुविधा से मिल रही है कि नहीं। लेकिन ये सब हमारे नालंदा जिला में कहाँ हो रही है, इतना कुछ जो है मैंने नहीं हो पाती है जितना इसमें ज़रूरत है। नालंदा जिले से एक और ख्याल आया, जब मुख्यमंत्री आए यहाँ पर तो तुमने एक बात कही कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पापा जो हैं वो शराब पीते हैं। यस। जबकि यहाँ तो चारों तरफ शराबबंदी लागू है। देखिए, कानून से बचने के लिए या तो वो चमचागिरी करेगा, या तो अपनी आधी कमाई का आधा हिस्सा वो उसको दे देगा, खुलेआम घूमता है, यही है बिहार में, चाहे कोई कहीं भी जाइए घुसखोरी पर काम होता है। कैसे हो सकता है ये सब सर्टिफिकेट, जो नकली सर्टिफिकेट बनाना है, नकली सर्टिफिकेट बनवाते तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए? इससे बढ़िया तो आप कोई और चीज़ में नौकरी कर लेते ना भाई, देना रहता ठीक, कोई फ़ायदा होता?